हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के प्रीवियस ईयर पेपर 2015 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पेपर कोड K-3002 है। 3 आवर्स इसमें मिलेंगे आपको। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 हैं। 3 सेक्शन में ये पेपर होता है। सेक्शन ए जो कि वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, इसमें आपको सभी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आपको अपना आंसर 75 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असाइलम, इज असाइलम ए राइट ऑफ ए पर्सन। आश्रय से आप क्या समझते हैं, क्या आश्रय प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल लॉ इज ए वेनिशिंग पॉइंट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। कमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन प्लेबिसाइट इन रिलेशन टू कश्मीर। कश्मीर के संदर्भ में जनमत संग्रह को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा में महत्व की विधि के स्रोत के रूप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इन स्टेट ए एंड फ्लू टू स्टेट बी, एग्जामिन द लीगल पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सट्रेडिशन। सेक्शन बी, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद नहीं लिखा है। सेक्शन बी में आपको 2 आंसर देने हैं। हर एक आंसर के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसका आंसर आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। हाउ फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज बाइंड इंडियन कोर्ट्स, डिस्कस इन डिटेल द इंडियन प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज ऑफ म्यूनिसिपल लीगल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय विधि कहाँ तक भारतीय गणराज्य के भारत का अंग है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के पारस्परिक संबंध से संबंधित विभिन्न सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, सनफ्लावर इज अ गवर्नमेंट शिप ऑफ स्टेट एक्स। द शिप इज ट्रांसपोर्टिंग मेडिसिन एंड फूड फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ स्टेट वाई। It is also transporting iron ore being exported to state Y in route while in the port of state Z. The ship was required to pay fine for violating of a local law of state Z. State X argued that since Sunflower is a government ship, is immune from law of state Z. Discuss. Sunflower एक्स राज्य का एक सरकारी जहाज है। ये जहाज वाई राज्य के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए दवाई एवं भोजन राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है। साथ ही ये वाई राज्य के लिए लौह अयस्क निर्यात का भी काम कर रहा है। रास्ते में जेड राज्य के बंदरगाह पर स्थानीय विधि का उल्लंघन करने के कारण उस पर जेड राज्य द्वारा जुर्माना हुआ। एक्स राज्य से उन्मुक्त होने का वाद की दिया। एक सरकारी जहाज होने के कारण विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन कोरेसिव मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने के लिए अपीड़क तरीकों का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी, इसमें आपको विस्तृत आंसर लिखने हैं। हर एक आंसर 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक आंसर के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज नेशनलिटी, क्वेश्चन नंबर 9 है। हाउ इज इट एसरटेन्ड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। डिस्कस द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग एंड लॉसिंग नेशनलिटी। राष्ट्रीयता क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है। राष्ट्रीयता का अंतर्राष्ट्रीयता विधि के अंतर्गत क्या महत्व हो। राष्ट्रीयता को प्राप्त करने तथा खोने के तरीकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट ए एंड स्टेट बी आर कोस्टल स्टेट्स हैविंग देयर कोस्टल फेसिंग ईच अदर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोस्टल इज 300 नॉटिकल माइल्स। State A extend its exclusive economic zone up to 200 nautical miles. Explain the legal position of such an extension. राज्य A और राज्य B तटीय राज्य हैं जिनके तट आमने सामने हैं। दोनों तटीय सीमाओं की दूरी 300 नॉटिकल मील है। A राज्य अपना पूर्ण आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक बढ़ा लेता है। इस वृद्धि की विधि की स्थिति का प्रेक्षण कीजिए। क्वेश्चन 11, discuss different theories of recognition. Distinguish between the de facto and de jure recognition. मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तथ्यता एवं विदिता मान्यताओं से में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 12, attempt any 4 briefly amicable methods of settlement of international dispute. सेकेंड पार्ट है सेल्फ डिफेंस। थर्ड है मार्टेंस क्लॉज, फोर्थ है रिपेट्राइशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, फिफ्थ है ब्लॉकेड। निम्नलिखित में से किन्हीं चार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों की सौहार्दपूर्ण पद्धतियां, आत्म प्रतिरक्षा, मोर्टन खंड, युद्ध बंदियों का संप्रत्यावर्तन, नाकाबंदी। क्वेश्चन 13, अ टीम ऑफ यूएस मिलिट्री ट्रूप वाज ऑन ग्राउंड इन इराक अगेंस्ट द जिहादिस्ट, हैज यूएसए वायलेटेड एनी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, गिव रीजन। अमेरिका की एक सैन्य टुकड़ी इराक में जिहादियों के खिलाफ तैनात की गई, क्या अमेरिका का यह प्राया अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के विरुद्ध है, सकारण उत्तर दीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। टोटल पेज इसके अंदर 6 पेजेस थे।